हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को SSC रोजगार विद सचिन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम GK GS का पार्ट 4 लेके आए हैं, मतलब चैप्टर 4 लेके आए हैं, जो SSC GD से पूछे गए प्रश्न हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं। देख लेते हैं प्रश्न को, जो कि 80 प्रश्न का टारगेट है। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि पैटर्न बदल चुका है, मात्र 20 प्रश्न आएंगे, जो कि टोटल 80 प्रश्न का रहेगा एग्ज़ाम, और 160 अंक का टोटल होगा, जो कि पहले 100 अंक का होता था और 100 प्रश्न होता था। देख लेते हैं प्रश्न। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? इसका क्या हो जाएगा? गहरा नीला रंग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? 3:2। यदि पूछ ले चौड़ाई एवं लंबाई, तो 2:3 हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा? ये पूछ रहा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई, लंबाई एवं चौड़ाई कह रहा, तो हो जाएगा 3:2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में। भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा देश में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियमित किया गया था? कब किया गया था? तो 1954 में। भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? डॉक्टर बलराम जाखड़। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? 80। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? 131। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है? महिलाओं के शिक्षित करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 11।
निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? स्वर्ण सही सही समिति। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को देश की समानता का वचन देता है। अवसर और अभिव्यक्ति। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? प्रस्तावना। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? अक्टूबर 2005 को। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1973। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? तो विजय घाट। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? कोठारी आयोग संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? 343 अनुच्छेद के तहत। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? गढ़वाली को भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी की याद किया जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन। इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? अटानी जनरल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? पिंगली वेकैया। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगली वेकैया। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिन्हा। धर आयोग और जेवीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? आलोक रावत।
कौन बना? आलोक रावत। उन्नीस तिरपन में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैस की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, काका कालेकर। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? ओडिशा में। चेराव डैस का लोक नृत्य है मिजोरम का। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? मध्य प्रदेश। अस्त्रियाँ भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? असम। भवाई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? गुजरात। बिरजू महाराज किस विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक है? कथक। इन भारतीय संगीत डीजों में से सितार वादक कौन है? रविशंकर। एस बालचंदर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वीणा। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? मोनप्पा। लोसांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? सिक्किम। उदागी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? बाली तृतीया। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? गणगौरी। गणगौरी किस कहाँ आती है? तो राजस्थान में। गणगौरी राजस्थान। और गणेश चतुर्दशी ये हो जाएगा महाराष्ट्र। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ए। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। द सीक्रेट ऑफ द नागास पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। ए सूटेबल बीओ पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। YIMA हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। ADB एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1966। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार
विजेता महिला का नाम बताइए। मदर टेरेसा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 जून। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर। भारत में सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भुवनेश्वर। नागर हॉल राष्ट्रीय उद्यान डैश बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? नीलगिरी। गुइडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। लाओखोवा वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? असम में। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार। भारत में डाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर श्रीनगर। राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो हैमिस। हैमिस क्या उत्तर हो जाएगा? हैमिस। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। बांध वगड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुरी। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात है? तो बांसुरी। गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे? क्या सही उत्तर? कथकली के। भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? संगीत नाटक अकादमी। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? गार्डनर। सी टी बी टी का पूरा रूप क्या है?
टेस्ट बैन चीटी। नगुलटम किस देश की मुद्रा है? भूटान। संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू यॉर्क में। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेलग्रेड। आज का लास्ट प्रश्न, जिसे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी SSGD से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न लाते रहेंगे, और मेरे वीडियो से लगे रहें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो जो भी लाए तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। इस अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, इसमें क्या कर रहा है। निम्न में से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेमिनी गणेश गणेशन, जेमिनी गणेशन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।